Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Let me introduce myself. I am your assistant teacher, Ms. Harish. Students, in the previous class, we have studied the page number 61 completely. Now today we are going to start the page number 62. Now open your textbook, page number 62. In this page number, four crops are pulses and oilseed are also. पल्सेस आपको पता है दालें जो होती हैं वो बहुत अच्छा सोर्स प्रोटीन होता है उनके अंदर जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा जो हमें फ़ायदेमंद है हमारे यूज़फुल है हमारी बॉडी के लिए ठीक है. ऑयल सीड्स ग्राउंड नट्स जैसे पीनट्स हो गए कॉटन सीड्स रैपिड सीड्स मस्टर्ड ऑयल ये सारे ऑयल सीड्स भी हमारी जो ज़िंदगी है रोज़मर्रे की उसमें भी इम्पॉर्टेंट है. यू नो वेरी वेल एडिबल ऑयल जो कुकिंग ऑयल होता है वो हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है हमारे डेली की जो फूड्स होते हैं उसमें कितना यूज़ होता है. अनदर टॉपिक इज कैश क्रॉप्स. कैश क्रॉप कौन कौन से होती हैं? कॉटन शुगर कैन और टोबैको ठीक है. आप यू नो वेरी वेल कॉटन जो है हमारे मतलब पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होती है ठीक है. इसी तरह शुगर कैन भी है. शुगर कैन आपको पता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. शुगर मिल है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब लार्जेस्ट शुगर मिल है यहाँ पर पाकिस्तान में और ये एक्सपोर्ट भी होती है बाहर हमारे. नाउ कम टू द पेज नंबर 63 टोबैको. टोबैको आपको पता है ये भी एक कैश क्रॉप है लेकिन ये हमारी सेहत के लिए तो अच्छा नहीं है लेकिन और चीज़ों में ये ज़्यादा यूज़ होता है और ये एक्सपोर्टेड भी बहुत ज़्यादा है. ये वाली जो हमारी क्रॉप है ये ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है मतलब बाहर ममालिक में उसको दिया जाता है ठीक है. लाइफ स्टॉक जैसे काउ शिप्स वगैरह हैं ठीक है. ये हमारी एक अहम किरदार अदा करती हैं एग्रीकल्चर में भी करती हैं और हमारे फूड्स में भी करती हैं ठीक है ना. यू नो वेरी वेल लाइफ स्टॉक से हम क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकते हैं जैसे कि मीट मिल्क ठीक है. ये सारी चीज़ें हम इससे हासिल कर सकते हैं और इसका जो बहुत ज़्यादा यूज़ इसको प्लगिंग में भी करते हैं लोग ठीक है. नाउ कम टू द पेज नंबर 64 इरीगेशन मतलब आपाशी का निज़ाम ठीक है. पाकिस्तान जो है ड्राई है ड्राई मुल्क है ड्राई कंट्री है. फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नीड होती है पानी की फसल जो है क्रॉप्स को जो है ग्रो करने के लिए क्योंकि यहाँ पर रेन नहीं होती. आपको पता है बारिश आती है तो जो आपके जो फील्ड्स हैं तो उनमें ऑटोमेटिकली पानी जो है चला जाता है लेकिन यहाँ पर आपको पता है पाकिस्तान का एनवायरनमेंट यहाँ पर ज़्यादा बारिशें नहीं होती रेनफॉल का प्रोसेस ज़्यादातर नहीं होता है यहाँ पर तो इस वजह से यहाँ की जो फील्ड्स हैं खेत जो हैं वो क्या हो जाते हैं ड्राई हो जाते हैं जिनको पानी की ज़रूरत होती है क्रॉप्स जो है ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा. कम टू द पेज नंबर 65 कैनाल्स. कैनाल्स क्या होता है? कैनाल्स इसलिए हम बनाते हैं ताकि फील्ड्स के अंदर पानी जो है बहुत से तरीके से मतलब हम पहुंचा सकें ठीक है. कैनाल्स बना देते हैं उसमें वाटर फिल होता है वो क्या करता है फील्ड्स के अंदर आसानी से हम जो इसको डाइवर्ट कर देते हैं और फिर वो बहुत पहुंच जाता है ठीक है. बैराजेस भी डैम्स भी हम इसीलिए बनाते हैं ना ताकि हमारी जो फील्ड्स हैं जो खेत हैं हम उसमें हम जो है पहले से पानी स्टोर करें और फिर उनमें प्रोवाइड कर दें ठीक है. चारसा एक जो है आपको पता है पहले प्लगिंग के बहुत सारे तरीके होते थे इसमें एक चारसा भी है ठीक है. इसमें क्या होती है एक पुली होती है और एक ट्यूबवेल होता है. ट्यूबवेल के जरिए जो है पानी निकालते हैं ठीक है. और एक जो है बाल्टी होती है इसके साथ. ये क्या करते हैं बाल्टी को कुएं में डालते हैं और एक एनिमल के जरिए क्या करते हैं उसको खींच लेते हैं ऊपर की तरफ. और पर्शियन वीज में भी यही होता है लेकिन इसमें बुकेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं ठीक है. एन एनिमल और एक व्हील भी होता है इसके साथ तो जिस तरह एनिमल्स चलते रहते हैं वो व्हील जो है राउंड होता रहता है और पानी उसमें से बाहर निकलता रहता है. ये सारे मॉडल हैं चारसा पर्शियन व्हील ठीक है. आप इनके बारे में और सर्च करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. नाउ कम टू द पेज नंबर 66 इसी तरह कारेज भी आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन. ट्यूबवेल आपको यहाँ बना हुआ है पता है सबको कुआँ होता है तो देख लें किस तरीके से होता है ठीक है. ट्यूबवेल. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ पेज नंबर 67. नाउ कम टू द पेज नंबर 67. एक्सपर्ट्स रिकॉग्नाइज क्रॉप्स एंड प्लांट्स फ्रॉम देयर इंपॉर्टेंट फीचर्स. कैन यू गेस विच क्रॉप इज कंटेंट इन ईच ऑफ द बॉक्स बिलो. You can read this and fill this box by self. Let's see. Sugarcane, rice, pulses, millet, jowar and bajra, wheat, cotton,
आप अगर ये पढ़ेंगे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, ये आपको आपकी बुक से मिल जाएगी और ये आप आसानी से इसे गेट कर सकते हैं कि ये मैंने कैसे फिल किया है। ओके, नाउ क्लास, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद न्यू लेक्चर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।